महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी के वैष्णव जन तो गांधी स्मृति। महात्मा गांधी का एक ऐसा पवित्र स्मारक जिसमें राष्ट्रपिता ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। कभी बिड़ला हाउस के नाम से प्रसिद्ध ये भवन आज भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए एक पवित्र भूमि है। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां आकर वे सत्य और ईश्वर को एकाकार होते हुए महसूस करते हैं। यहां आने वाले देशी विदेशी सैलानियों और दर्शकों को आज भी इस इमारत के अहाते में इधर उधर घूमते समय उस युग पुरुष के होने का एहसास होता है जिसने हिंसा, आतंक, शोषण और अत्याचार से पीड़ित विश्व के जनमानस को सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। यहीं आसपास से कभी गांधी जी गुजरे होंगे और यहीं कहीं वे लोग भी होंगे जो पूज्य बापू से मिलने के लिए देश के किसी कोने से आए होंगे। उन दिनों जब इस भवन में एक ओर राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं, वहीं बापू का हृदय सांप्रदायिक हिंसा और भारत विभाजन की पीड़ा से हाहाकार कर रहा था। लाखों करोड़ों लोग महात्मा गांधी में भविष्य की राह खोज रहे थे। वहीं बापू अंतर्मन में जान गए थे कि अब ईश्वर से साक्षात्कार का वक्त आ चुका है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उदासीन हो गए थे। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गड़बड़ा रहा था। वे अपनी देह को तिल तिल कर चुक जाने के लिए छोड़ चुके थे कि काश उससे भी भारत के गरीब और पीड़ित जनता को रोशनी दिखाई दे। 2 अक्टूबर 1947 का दिन वो बापू का अंतिम जन्मदिन साबित हुआ। भारत को आजाद हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे। देश के वातावरण में खुशियां और गम एक दूसरे में घुलने मिलने के लिए बेचैन थी। बापू को दुनिया भर से सैकड़ों बधाई संदेश आए। उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने आए लोगों से पूछा, क्या यह ज्यादा ठीक नहीं होता कि आप शोक संदेश भेजते? मैं हिंसा और नफरत से भरे वातावरण में जीवित कैसे रह सकता हूं? इस कक्ष में शांति का वो साधक मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने को आतुर था। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया। वे अपनी अंतरात्मा के प्रकाश से शांति का रास्ता खोज निकालना चाहते थे। 16 जनवरी 1948 बापू ने कहा, अगर भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापना नहीं होती है तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। 18 जनवरी 1948 को बापू ने करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए अपना अनशन तोड़ा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी और कहा, यदि स्थिति में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जाती है जैसा कि इस समय हो रहा है, तो आने वाली आंधी को रोक पाना असंभव नहीं तो भी बहुत कठिन हो जाएगा। 20 जनवरी 1948 बापू निश्चित समय पर प्रार्थना स्थल पर पहुंचे। प्रार्थना चल ही रही थी, प्रार्थना के दौरान ही बम विस्फोट हुआ। बापू विचलित नहीं हुए। बापू के अंतिम दिन के बारे में अपने संस्मरणों में बापू के सहयोगी प्यारे लाल जी ने लिखा था, सारे दिन लोग लगातार मुलाकात करने के लिए आते रहे। बापू ने कमरे से निकलने से पहले आखिरी बात कही, मैं आज 10 मिनट देर से पहुंचूंगा। देर से जाने में मुझे नफरत होती है। मैं प्रार्थना की जगह पर ठीक 5 बजे पहुंचना पसंद करता हूं। प्रार्थना सभा में पहुंचने के बाद और प्रार्थना शुरू होने से पहले बापू हिंसा के शिकार हो गए। उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम।
भारत सरकार को विदेशों से संवेदना के 3000 शोक संदेश प्राप्त हुए। बापू ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, जब तक मेरी निष्ठा की ज्योति जल रही है, मैं कब्र में भी जिंदा रहूंगा। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर बोलता रहूंगा। इस एपिसोड में हम गांधी जी के अहिंसा के सूत्र के बारे में बात करेंगे। अहिंसा क्या है? महात्मा जी ने कहा भी था कि अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के लिए दुर्भाव का अभाव। अहिंसा का परिणाम जरूर देर से निकलता है, क्योंकि ये एक जोड़ने वाली शक्ति है, न कि तोड़ने वाली। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मन में हर एक के प्रति प्रेम का भाव हो, स्नेह का भाव हो। बापू अखंड कर्मयोगी थे। उनका एक एक क्षण सेवा में बीतता था। देश के लिए इस तरह सतत खपने वाला महात्मा ना ही किसी ने देखा और ना ही फिर दोबारा किसी ने सुना। लेकिन बापू को अपने कर्म में आसक्ति नहीं थी। वो कभी भी अपने काम को अपने सर पर नहीं चढ़ने देते थे। अपने कर्म के लिए वो किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं रचते थे। उन दिनों गुजरात की बोरसद तहसील में प्लेग फैला हुआ था। सरदार पटेल और उनके साथी सुनते ही बोरसद दौड़े। वहां पर सफाई का आंदोलन शुरू हो गया। चूहे मारने लगे, लेकिन अहिंसा के नाम पर लोग चूहे मारने से कतराने लगे। तब सरदार पटेल ने बापू को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को चूहे मारने को कहें, वरना लोग मरने लगेंगे। देखो भाई, एक मच्छर या एक चूहे को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है या तुम्हें है। लेकिन मानव जीवन अगर खतरे में है तो कुछ तो करना ही चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि हम अच्छी तरह से सफाई रखें, ताकि मच्छर फैले ही नहीं, मलेरिया ना हो, और चूहे घरों में ना आए तो प्लेग भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेग फैल ही गया है तो कुछ तो हमें करना ही होगा। बापू लिखकर चुप नहीं बैठे, बल्कि स्वयं बोरसद जा पहुंचे। चूहे मारने के आंदोलन में तेजी आई और प्लेग दूर हो गया। बापू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अहिंसा का मतलब यही है ना, दूसरों को दुख न देना? हाँ बिल्कुल ठीक। आप हंसते हंसते हमारा गाल चुटकी में पकड़ लेते हैं, इसका मतलब अहिंसा है या हिंसा? हाँ बापू बताओ। शैतान कहीं के। ये कहकर बापू खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर से उस बच्चे के गाल पर जोर से चुटकी काटी। बापू चिढ़ गए सारे बच्चे कहने लगे और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे। इस हास्य रस में ये महापुरुष भी रम गए। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस एक मूल्य सिद्धांत था। वो अपना सारा जीवन नॉन वायलेंस को प्रचार करने में ही देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त जो समाज था और जो भारत था, अंग्रेज राज कर रहे थे, तो उनसे भी लड़ना चाहते थे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि उन्होंने एक साम्राज्य के साथ लड़ाई की, लेकिन कहा कि हम नॉन वायलेंस के साथ उनके से लड़ाई करेंगे। एक तो उनको अहिंसा में पूरा फेथ था। वो चाहते थे कि समाज में हिंसा एक बहुत ख़राब चीज़ है और समाज तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो भारत का हो या बाहर का हो। गांधी जी की अहिंसा कोई शस्त्र नहीं है। गांधी जी की अहिंसा मैं मानता हूँ एक पूरा संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अहिंसक वृत्ति के नहीं हैं, तो आप सामाजिक क्षेत्र में भी अहिंसक नहीं हो सकते। वेल, इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफाइन अहिंसा आर द वे गांधी ट्राई टू एक्सप्लेन इट, बट देन सत्य, अहिंसा and satyagraha, these three were the core of the Gandhian strivings for a new society, a new individual and a new vision of life. ये तो बहुत शाश्वत किस्म का संबंध है दोनों के बीच में, एक गुण और एक नाम के बीच में। गांधी जी नाम और अहिंसा एक गुण, और ये समाज का गुण रहा है। और इसलिए जहाँ ये नाम ना भी पहुँचा होगा गांधी जी का, वहाँ भी अगर समाज का विवेक नष्ट नहीं हुआ है, तो उसे अपने संघर्षों में, अपने संकट के समय में अहिंसा की याद ज़रूर आनी चाहिए। गांधी जी की ये विशेषता रही है कि अहिंसा को उन्होंने आम आदमी के लिए
सरल बनाया। अहिंसा तो मानव के की संस्कृति के आदिकाल से चली आ रही थी। अहिंसा परमो धर्मा हमारे देश में मान्यता रही, लेकिन वो अहिंसा हिमालय की गुफाओं में थी, आध्यात्मिक साधकों के जीवन में थी, संतों और ऋषियों के आचरण में थी। उस अहिंसा को महात्मा गांधी ने हिमालय की ऊंचाई से लाकर धरती पर खड़ा किया और अहिंसा को अस्त्र बनाया आज़ादी हासिल करने का, और ऐसा अस्त्र बनाया कि जिसको कोई बहुत मजबूत ही उठा सके, सो नहीं, बच्चा भी उठा सकता था, बूढ़े भी उठा सकते थे, आम महिलाएं जो घरों में बंद थी, पर्दों में बंद थी, वो भी अहिंसा की सिपाही बन के आगे आई। ये गांधी जी की खूबी थी, उन्होंने अहिंसा को सर्वसुलभ बनाया। बापू रोज कोई ना कोई विचार अपनी डायरी में लिख देते थे। ये विचार उनके गहन चिंतन का परिणाम थे। उन्होंने कहा था, सत्य ही ईश्वर है, लेकिन जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते, उनके लिए भी बापू ने रास्ता निकाला और कहा, ईश्वर ही सत्य है। केवल गांधी जी ने ही बताया कि आपस में झगड़ा निवारण कैसे किया जाए, कि हम अपने मूल सत्य को रहते हुए उस पर अपने ठीक प्रकार से खड़े रहें, किंतु दूसरे व्यक्ति के सत्य को भी जानने की कोशिश करें, और जब उसके भाव को समझने की कोशिश करें तो उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ आता है। एक गांधी जी थे जिन्होंने ब्यूटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ टर्म प्रयोग की। अहिंसा का स्लो प्रोसेस नहीं है, अहिंसा इतनी कारगर होती है, लेकिन बशर्ते कि हम खुद अहिंसा पर चले। यही अनुभव हमको पंजाब में आया। पंजाब में भी जिस समय आतंकवाद बहुत जोर पर था, हम लोगों ने 2 बार शांति यात्राएं आयोजित की और 2000 कार्यकर्ता उनको लेके हम वहां गए। जाने से पहले दिल्ली में सबसे पूछा कि भाई मरने का डर हो तो यहीं से वापस जाओ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि जहाँ मौत लिखी है वहीं आएगी, और जब लिखी है वहीं उसी वक्त होगी। तो मौत से डरने से बढ़कर बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं में से एक भी वापस नहीं गया, और पंजाब में गाँव-गाँव घूमे। उस वक्त घूमना कोई आसान नहीं था, और परमात्मा की क्या कृपा कि हर कोई वापस आया सकुशल। ये अहिंसा की विजय है। इसलिए ये मानना कि अहिंसा में तो बड़ा वक्त लगता है, ये सही नहीं है। गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियों ने श्री किशोरलाल भाई से पूछा कि कभी कभी जब उन्हें लड़के छेड़ते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। निश्चय ही वे अहिंसात्मक प्रतिकार का उपाय पूछ रही थी। तुम्हारे पैरों में चप्पल तो होती है ना, उठाकर मार दो। यह तो हिंसा है, यह तो हम जानती हैं। हम तो अहिंसात्मक उपाय जानना चाहती हैं। अगर हमने इस प्रकार हिंसा की तो इसका परिणाम प्रतिहिंसा के रूप में सामने आएगा। फिर क्या ऐसी हरकतों से बापू नाराज नहीं होंगे। लड़कियां बापू के पास पहुंची। बापू ने कहा कि बस किशोरलाल भाई ने तुमसे इतना ही कहा। मैं तो कहता हूँ कि यदि तुम्हारे साथ कभी कोई बलात्कार करने की कोशिश करे तो उस आदमी के छुरा भोंक दो, यही तुम्हारे लिए अहिंसा है।
दरअसल बापू उन लड़कियों को निर्भयता का पाठ पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वही तो अहिंसा का पहला गुण है। गांधी जी की जीवनी पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही करुण प्रसंग मेरी आंखों से गुजरा। सिगरेट के टुकड़े और उनके लिए नौकर के पैसे चुराने के अपराध के सिवाय चोरी का एक और जो अपराध मुझसे बन पड़ा, मैं उसे और भी गंभीर मानता हूँ। सिगरेट के अपराध के दिनों में मेरी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी, शायद इससे कम हो। दूसरी चोरी के समय 15 साल की रही होगी। यह चोरी थी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े से सोना चुराने की। उन्होंने 25 रुपए के लगभग कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। मेरे भाई के हाथ में ठोस सोने का कड़ा था, उसमें से तोला भर काट लेना कोई कठिन काम नहीं था। कड़ा कटा और कर्ज पट गया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। आगे चोरी ना करने का मैंने निश्चय किया, यह भी सोचा कि पिताजी के सामने इसे कबूलना चाहिए। अंत में मैंने पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार करते हुए माफी मांगने का निश्चय कर लिया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें थमा दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार कर लिया था और दंड भी मांगा था, विनय की थी कि मेरे अपराध के लिए अपने को कष्ट में ना डाले, और प्रतिज्ञा भी की कि भविष्य में ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा।